क्या आपको भी खून से रिलेटेड चीज़ों को देखने से ऐसे डरावने विचार आने लग जाते हैं? क्या आप भी जब कभी भी खून देखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको इतना विचार आने लग जाता है कि आप उससे परेशान हो जाते हो? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हीमोफोबिया क्या होता है। जो खून का जो डर लगता है उसको हम बोलते हैं हीमोफोबिया। क्रोमोफोबिया और हीमोफोबिया वैसे तो सिमिलर होते हैं, पर इनमें कुछ एक डिफरेंस पाया जाता है। क्रोमोफोबिया जो होता है उसके अंदर किसी भी तरीके के रंग को लेकर हमें प्रॉब्लम होती है, परंतु जो हीमोफोबिया होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें खून से रिलेटेड विचार आते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग का जिक्र हम करेंगे, इसके अलावा हम किसी का भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसको हीमोफोबिया कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक विशिष्ट लाल रंग के ही किसी रंग को देखने के या किसी और जानवर का खून देखने के या किसी और एंगल से हमने पान का थूका हुआ लाल रंग देख लिया उसके हिसाब से हमें ये विचार आने लग जाते हैं। तो ये विचार इतने डरावने होते हैं कि इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पीछे जाके आपको समझाना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों होता है किसी इंसान के साथ। इसमें क्या होता है कि कोई इंसान है, उसके साथ किसी तरीके की पास्ट में कोई घटना घटी है और उसने उस चीज़ को इतनी हद तक अपना के रखा हुआ है कि जब वो कोई चीज़ आती है तो उसको वो उससे जोड़ के फिर देखता है। एक तो सीधा प्रत्यक्ष देखना होता है, एक कोई चीज़ आई उसको हमने किसी एंगल से किसी के साथ जोड़ के फिर देखा। तो वो इस तरीके से, एक तो ये हीमोफोबिया का एक सबसे ज़बरदस्त ये सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलता है कि ये हाँ इस तरीके से हम इसको जोड़ के देखते हैं। दूसरी मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ इसके अंदर कि ये ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए भी होता है, तो मान के चलो आपने कभी भी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी में आपने देखा होगा कि जो किसी को मार दिया जाता है तो उसकी इस हिसाब से खून निकलता है, परंतु तो वास्तविकता हमें पता होती है कि ये इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से होता है। तो अब क्या होता है कि इसके बैक, इसके ऊपर बहुत गहन स्टडी हुई है इन चीज़ों के ऊपर। इसमें जब हम बैक जाने की कोशिश करते हैं ना, तो जैसे अभी हम सबको पता है कि या तो पान खा के या सोस गिरा के इस तरीके से कुछ इसमें इंप्लीमेंट किया होगा। अब हमारा बिलीफ सिस्टम यहाँ तक भी पहुँचता है कि हाँ ये हुआ होगा, परंतु हम सिर्फ और सिर्फ इस इनडायरेक्ट चीज़ को डायरेक्ट अपनी जो बिहेवियर है उसके अंदर हम इसको लागू करते हैं। इनडायरेक्ट चीज़ को हम डायरेक्ट अपने व्यवहार के अंदर लागू करते हैं। यही चीज़ फिर हमारे लिए समस्या बन जाती है जिसको क्रोमोफोबिया बोलते हैं। और इसके अंदर सबसे ज़बरदस्त सिम्टम यही पाए जाते हैं। इसके ऊपर अच्छी खासी स्टडी हुई है और उन आंकड़ों ने ही इस चीज़ को प्रूफ किया है। तो इसके द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर जाननी ज़रूरी है। और अब इसकी बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो आपको पता है वो गलत है। ज़रा सा इनडायरेक्ट आपने किसी चीज़ को डायरेक्टली अपने व्यवहार में उतारा हुआ है। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताने चाहता हूँ कि क्या होता है कि कोई चीज़ इनडायरेक्टली जिसको हमने अपने व्यवहार में डायरेक्टली उतारा हुआ है, कोई चीज़ इनडायरेक्टली जिसको हमने व्यवहार में डायरेक्टली उतारा हुआ है और वो चीज़ हमारे लिए समस्या पैदा कर रही है, उससे रिलेटेड ही हमें इस तरीके के इसमें विचार आ रहे हैं। तो जब इस तरीके के हमें विचार आने लग जाते हैं तो मानसिक स्थिति हमारी भंग हो जाती है, क्योंकि एक दिन में हम कितनी बार लाल रंग को देखते हैं, इससे रिलेटेड किसी तरीके की कोई चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ खाने में भी हो सकता है। तो जब इस तरीके के विचार आते हैं फिर वो सारी चीज़ों से उनका जैसे बिलीफ सा हिलने लग जाता है कि ये सब्ज़ी इसके अंदर खून होगा, ये चटनी इसके अंदर खून होगा, ये समोसा इसके अंदर ये, फिर वो उसको वही विचार आते हैं और फिर वो उन चीज़ों से दूर भागने लग जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं खाना। और धीरे धीरे फिर उनके व्यवहार में भी यही चीज़ें बनती रहती है और वो यही सोचता रहते हैं सारा दिन कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, अगर वहाँ ऐसा होगा तो क्या होगा। फिर उनका जो व्यवहार होता है, जो रेगुलर उनका व्यवहार होता है, जो डायरेक्टली वो व्यवहार करते हैं, वो इनडायरेक्टली जो अप्रोच हुआ है उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से ही फिर इन्हें ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ समझने वाली यही है कि जो इनडायरेक्टली आपने जिसको समझ रखा है, डायरेक्टली अपने व्यवहार में उतारा हुआ है, वो चीज़ ज़रा सर गलत है। उस चीज़ को आप अंडरलाइन कर दीजिए, अपनी कॉपी पे लिख दीजिए कि ये सरासर गलत है। अब उसके खिलाफ आपको जो भी कदम उठाने हैं वो उठाते जाइए आप अपने आप से, क्योंकि हम अपने आप से अपने लिए कौन सा कदम उठा सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें पता होता है।
अपनी कितनी क्षमता है, हम कितना वजन उठा सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ आप 45 आराम से उठा लो, आप बोलोगे नहीं मैं इतना नहीं उठा सकता, मैं सिर्फ 35 उठा सकता हूँ। तो वो अपने को पता होता है ना कि हम कितना उठा सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको खुद को अपने आप के लिए इसमें कुछ एक सुझाव देने होंगे। सबसे पहले तो अपनी इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए लिख के, और अब इसके खिलाफ आपको जो चीज़ें करनी है वो करते जाइए, धीरे धीरे इसमें आपके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको इसमें किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8295-86186 पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।